सालो वहां ले आए जीडीबी नगर तू बोलता है गोवा से जीडीबी नगर ले आए। जीडीबी नगर ले आए गले में क्या हो भाई चलो जहाँ काटा था वहीं लग गया नाम रोम। अरे 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 कितने जीरो है 40,000 बार सबसे महंगा ये पड़ा मेरा बहुत महंगा पड़ गया। चलो उन्होंने 2,000 रुपए में लिया मटक मटक के जाएगी हम पैसे हम भरेंगे भैया 80,000 फुल कवर दारू छक्के भी और रोटी छक्के खाओ बढ़िया क्राउड अंदर डांस छक्के या तो मिलेगी या जाएंगे सूखे। खुशी आ गई 40,000 देके पैसे कम में तो मैं पैसे अबे बता दिए डैडी जी देख लो रिवर्स ले जल्दी नहीं होगी। अरे मैं पत्थर रख रहा हूँ रुक जा ये पकड़ वीडियो बना मेरी बात सुन देखो गाइस कितना हंबल बंदा हूँ मैं। ओ तेरी अबे मेरी बात सुन वहां से आ अबे हट हट पत्थर रख हट रखेगा पत्थर। हाय गाइस वेलकम टू माय ब्लॉग वेलकम बैक टू माय चैनल दिस इज मी मैगी। ये देख रहे हो इंजन गैस ये क्या कर रहा है इंजन गैस सपोर्ट भी स्मेल आ रही है स्मेल इंजन गैस का ये करा क्या है गाइस बस जिम की वीडियो बनती है जोर और कुछ नहीं है। अबे जोर है बड़ी ये कहां से निकालूं तो गाइस प्रोफेशनल ड्राइवर से मिलो ये देखो क्या कर रहा है इसने वेरी प्रोफेशनल ड्राइवर दिल्ली की क्रेटा समझ गया स्विफ्ट की हालत टाइट कर दी। ये देखो गाइस ये क्या कर रहा है नहीं कर रहा है उसको कसम खिला जिसने करा तुम लाख कोशिश कर लो तुम 10 बंदे लगा लो भाजी हूँ जुगाड़ की है दा जैक लगाओ जैक है ही नहीं दिल्ली तो जैक लगवाना नहीं नहीं भाजी अच्छा दूसरा जैक नहीं नहीं भाई सच्ची गल दसा जैक होता तो फोन पे वहाँ पे वेट डालना पड़ेगा। वो नहीं यार पहले वेट वाली बात ही नहीं है तुम मतलब वो जो पंचर का जैक होता वो लगवा है ही नहीं गाड़ी में नहीं है दूसरी गाड़ी में भी नहीं है वहाँ पे देखना जैक है वहाँ पे देखना जैक है जैक तो नहीं है गाड़ी में उसमें है इसमें एक रोड आती है हाँ। इस रोड इसमें हाँ, खींचने वाली और उसमें रोप नहीं है मेरे भाई उसमें है जैक भाई उसमें है जैक मेरे पास यार 2,000 में क्यों ले रहे हो भैया यार 1,000 ले लो यार ऐसे मत करो भैया क्या करे कह रहे 2,000 रुपए लूंगा गाड़ी निकाल जम करा भूल गए क्या भैया 1,000 लो थैंक यू भाई देखा हुआ आपने भी आपसे दिल्ली से होगा नहीं नहीं हम पंजाब से मैं कैसे निकलवाऊं आई एम ट्राइंग ये डाली किस रेवे को ये नहीं समझ आ रही ये कौन चला रहा था आरुष बोला वाज ड्राइविंग द कार
सही बात है। कैसे निकालता हूँ अब तू देख मैं कैसे अपनी दिल्ली वाली दिमाग लगा के गाड़ी बाहर निकाल दूँ। भाई इधर से धक्का दो उधर से नहीं हो पाएगा। भाई गाना लगा लूं? नहीं नहीं नहीं, बदले देख के माहौल, इसको इधर से उठाओ, धक्का नहीं मारना। इधर आओ, गाड़ी निकालो, गाने बजाऊंगी मैं तुम्हें, नच गाऊंगी गाड़ी। इधर आ, क्या करूं इसको उठा के। दोनों कट्ठे जाइए भाई, दो दो पत्थर लगा है, उससे टायर घूम रहा है, उससे टायर घूम रहा है, उधर वेट डालना पड़ेगा, उधर वेट डालना भाई, फ्रंट भी भाई, इधर गाड़ी को थोड़ा यूं करें, राजू जी चलो उधर दो बंदे उधर, अरे यहां से करना, तुम तो दो बंदे उधर आ जाओ, दूसरी चेयर पे तुम वहां तेरी बोतल में तुम भी हो गए बको, बाप ने जरा पैसा लगाया, तूने छोड़ दी तेरी गाड़ी, लंबी छोटी मत तेरा भाई चला साथ में, साथ ही गड़ता आपको बाबा ने कहा पूछले से एयर बाप रे, चल रिवर्स डाल, एक दो दूध पीते सारे, चलो भैया गलती मैडम की, अबे तू रिवर्स दे ना, रेस चल के, अबे रेस दे रहा हूँ, अबे चल, गाड़ी क्लोज कर रहे हैं, मेरा फोन टूट चुका है आई गेस, मेरे में तो तुम जान नुकसान हो गया लंबा। गाड़ी कौन चला रहा था? मैं ये मर्डर मैंने किया है, ये मर्डर मैंने किया है, तू पुलिस के सामने कुछ नहीं बोलेगी, ये मर्डर मैंने किया है, मैं सजा खा लूं, फर्नीचर चाटा खा गया है, देखो रस्सी बुलाई है वहां लगेगी, गाड़ी कौन चला रहा था? पटेल नगर वाले हर जगह बता देते, पटेल नगर गया बोलो बाप बड़ा या रुपया, कैन वी जॉइन अस, कैन वी जॉइन अस, पार्टी है गाड़ी निकलने के बाद, 1500 की लगी चोट, भाई भाई देखो देखो, इनकी नियत में है खोट, 1500 तो छोड़, अभी सिक्योरिटी तो लेगा मुझसे गाड़ी, अरे कितनी सिक्योरिटी दी हुई है, स्टेपलर लगा देंगे, अबे उसमें सिलाई करवा दूंगा, सिलाई करा देंगे, कितने बजे की, 8 बजे गाड़ी वापस कर ली, कहां से सिलाई करा, कितने बजे बन गया पट्टा, देखो बन गया मॉर्निंग की दोपहर, आई मिस यू ब्रूजो, वरुण भूत आ गया, गोस्ट व्लॉग पार्ट टू, वरुण भैया वरुण भैया सुसाइड कर लेगा वो, इसको देखो पार्ट टू, आज राम लाल बदले देखियो फके बोल फके बोल बाजी, कुत्ते पे ना चला दे इसकी गोंटी है, उसको देख उसको देख उसको देख, इसकी गोंटी है, अगर गाड़ी का गियर टूटता है तो उसको देख तो सही, मैं नहीं प्लीज सुधर दो यार, अबे बोल रहे हो अबे नीचे आ, भाई टाइम देखो, सुबह के 5:30 हो रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं गोवा में, नवा नवा शहर पाया, चलो 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 रस्सी लगा दिया, दिखा
कहाँ टूटा टेम्पर्ड है ब्रदर ये उस ओवर चलेगा क्या है उसको दे भाई खड़ी हो राजे ऐसे जब मारते हाँ चलो 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 हट जा वे तो भाई अब यहाँ से धक्का देना पड़ेगा ताकि वो वाली गाड़ी खींचे तो हम भी थोड़ी हेल्प करें चलो भाई हमें हेल्प करनी है गाड़ी के अंदर धक्का देने के लिए और यहाँ पर ना ऑलरेडी रोप जमी हुई है रोप से वो गाड़ी खींचेंगे इसलिए हमको धक्का देना है अबे मेरे मुंह पे को मारना फ्लैश भाई तेरे मुंह पे क्या मारू नवा नवा पैर पाया इसके रे शहर का गाइस 2 लाख कराने सब्सक्राइबर्स आपको 1 लाख तो हो गए हैं मुझे पता है 2 लाख आप लोगों को कराने हैं अब आपको मिलते हैं हम कल अभी आप कट कर दे नहीं अभी मिलूंगा थोड़ी देर में मिलते हैं या कट कर दे अभी मिलूंगा एक बार कट कर दे भाइयों के लिए मैं कितनी मदद करता हूँ गाइस देखो तो अभी मैं सिंगल रहेगा भाई खींचो खींचो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब गाइस मेरे को घंटा नहीं फर्क पड़ता क्या हुआ गाड़ी को मैं तो अपना कंटेंट खींच रहा हूँ हेल्प तो कर रहा हूँ मैं ये गाड़ी चला कौन रहा था चला कौन चला रहा था मैं लड़कियां नहीं चला पाता गाड़ियां चलाऊं शरीफ बंदा क्या व्लॉग बनाएगा सो गाइस जैसे उसका और मेरा रिश्ता टूट गया था वैसे ही रस्सी टूट गई भैया और भी चलाओ हम नीचे दखल गए ये मैं हूँ नीचे गिरा पड़ा है ये वो है वो देखो चली जाएगी किसी और के साथ मैं यहीं पड़ा रह जाऊंगा पैसे और भरने पड़ेंगे जो नुकसान हुआ गाइस एक और ट्राई ये रस्सी मेरा प्यार है देखो फिर टूटेगा भी मेरा प्यार भैया जैक लेके आए मेरी जान 2 लाख करा दो लास्ट नाइट इन गोवा वन नाइट 2 लाख करा दो पार्टी है लंबी ये नीचे आ जाना मैं म्यूजिक चालू रहने दो इनके बाहर रुक बाहर आ बाहर आ बाहर आ म्यूजिक बंद कर दे कॉपीराइट आ जाएगा तो भाई अब ये जैक लगाया इसको ऊपर करेंगे फिर ये पत्थर जो है आगे जो बड़ा है इसको नीचे रखेंगे फिर एकदम खींचेंगे है भाई खींचने का नहीं बाद में रिवर्स में सो गाइस बस थोड़ी सी टाइम और निकल जाएंगे दो चीजा कड़ी आ जाती है दा शिकार ने अरे बोला ऑलवेज ऑन टॉप चुप करेगा भाईया करो तूने कह रहा भाईया कर देगा भाई 20 वाली कोऑर्डिनेट हो हो गया भैया सॉर्ट आउट वेरी हेल्पफुल नेचर गाइस व्हेनेवर सी गर्ल्स आई हेल्प देम बट गर्ल्स ऑलवेज स्पॉइल मी अब लगा पता नहीं एक उधर से पता नहीं कौन देखो मेकआउट कर रहे हैं गाइस रुको डांस कर अबे ब्रेक डांस ओ जो ना नाचे निकल गई
गाइस तुम्हारे भाई ने कहा था निकालेगा तो निकाल दी आखिरकार, जैसे तैसे जैसे तैसे पूरी जीत जा। नहीं 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 तू पीछे बैठ भाई, लड़कियों को गाड़ी चलाने दो ही मत कभी, चाहे जो मर्जी हो जाए लड़कियों को गाड़ी मत दो। देखो कोई पूछता वीडियो बना के क्या मिलता, तो ये देखो बस ये मिलता है। अरे बाबू मुझे क्या नींद नहीं आ रही। एक चोट और पड़ी है, ये देखो शीशा भी टूटा है मेरे दिल की तरह, इसका भी भुगतान करना पड़ेगा। प्रूफ आई एम सिंगल। मायापुरी जाना पड़ेगा वैसे इतना। सो गाइस अब जो गाड़ी लेने वाले होते हैं वो आएंगे और तुम्हें बताते हैं कि क्या अपडेट है, कितने पैसे लेके जाता है वो। अभी एक चोट ये भी पड़ी है, शीशा भी टूटा हुआ है, मैं भी अभी पता लगा इस, ये उसके दिमाग में ना आए हमने ऐसा कुछ ट्राई करा है, बातों में उलझा देंगे उसे। अरे भैया मेरी सुनो, अरे भैया मेरी सुनो, अरे भैया मेरी सुनो, शीशे में मत देखने दियो। वो खड़ा हुआ है तो भाई अभी हम आ गए हैं। कहाँ ये ले आया, यहाँ से एक डेढ़ घंटे दूर किसी सर्विस सेंटर, कह रहे हैं यहाँ से पता करूँगा कितने पैसों की है, ठीक होगी फिर उतने पैसे लेगा फिर हमें छोड़ेगा, देखो क्या होता है। भाई जिससे गाड़ी ले रखे ना इतना खड़ूस बंदा, इतना खड़ूस, अब लड़की अकेली थी इसके साथ कोई लड़का भी नहीं है, फिर हम ही आ गए हेल्प कराने ताकि अकेले यार कितना वो करेगी इधर उधर होगी, तो मैं साथ ही आ गया, मेरी तो पूरी नींद खराब हो गई है। बहुत खड़ूस बंदा, कह रहा आधी बेटी दे दो बहन लड़ देंगे इसे आधी बेटी, वरना कह रहा पुलिस केस वगैरह कर दो ये कर दो। अब भाई लास्ट नाइट का वेट कर रहा था मैं गोवा की ट्रिप एक नंबर, और फाइनली हो गई, बहुत बढ़िया हो गई, मज़ा आ गया। मल्लू भाई जो था अपना, पूरे रात उसने घुमाया, कभी थाने ले गया कभी कहाँ ले गया, हम इतने 50,000 रुपये मांग रहा था फिर पता नहीं कहाँ पे ले गया दूसरे कोने में, मेरी तो अंदर गांड फटी जा रही, कब फील्डिंग बिठा देगा क्योंकि वो वीडियो वगैरह देखी है, फील्डिंग बिठा देती है ये बाहर टूरिस्ट की। फिर पुलिस वुलिस के पास थाने ले गया, थाने वाले को हमने कहा भैया हम नहीं जा रहे इसके साथ गाड़ी में, फिर थाने वाले ने उसे चमकाया, फिर हमको खाली 1,000 रुपये भरने देना, तो बोलेगा नहीं यार 1,000 रुपये भरने, फिर हमको खाली 1,000 रुपये भरने दे, बट फिर वो यार बेचारा इतना कलब गया, गाड़ी तो उसकी भी ठुकी थी, बोल बहुत कुछ उल्टा सीधा रहा था, बद्दुआएं दे रहा था, फिर वो भी दिल पे लग रही थी, फिर अंदर से तुम्हें पता तुम्हारा भाई सबके लिए ना एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता ही है, फिर मैंने कहा यार देखो जो खर्चा वर्चा तुम्हारा हुआ, दादा वादा बोली जा रहे थे उसको, एक तो बंदा पैर पड़ गया वो भाई मेरी इतनी हालत टाइट, मैंने कहा चलो जो भी खर्चा वर्चा है तुम लो, उसको हमने 20,000 रुपये देके सेटलमेंट कर दी। सो गाइस तुम्हारा भाई दिल्ली आ चुका, और मैंने फिर व्लॉग वगैरह नहीं करा था क्योंकि हमारी हालत बहुत टाइट थी पार्टियां कर करके। बाकी तुम्हें अगला सीन समझाता हूँ, गाड़ी ठुक गई थी दिशा से, उसके बाद ना वो कार वाले के साथ हम पूरा दिन थे, और मेरे को पता है पूरी रात हमारी कैसे निकले, भाई वहाँ के लोकल इतने बदतमीज़ है, इतने बदतमीज़ है तुम्हें बता भी नहीं सकता, वो प्रवोक करेंगे तुम्हें कि तुम उनसे फालतू बोलो, इतना कुछ बोल रहा था वो, तो हमारी मैच्योरिटी हमने दिखाई कि उससे कुछ फालतू वालतू नहीं बोला। रास्ते में वो एक तो अपनी लैंग्वेज जो बात करी जा रहा था, गाड़ी में हम जो बैठे थे उड़ी 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 उड़ी, मेरे को लगा कभी ना कभी फील्डिंग बैठेगी, क्योंकि जो इंस्टा पे मैं एक चीज़ देख के गया था कि वहाँ पे सीन वीन हो रहे थे दिल्ली वालों से कलेश, वहाँ के लोकल बदतमीज़ी करते हैं, और ये फैक्ट है भाई, बिल्कुल फैक्ट है, वहाँ के लोकल बहुत ही बदतमीज़ है, तुमसे जो टूरिस्ट होता है उसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं मिलती, और हर समय ट्राई करेंगे कि तुम्हें प्रवोक करे, तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी, पता नहीं तुमसे कलपते किसी बात से, ऐसे कुछ मेरे को लगा। और इस बंदे को हमने पुलिस चार्ज करा के हम फ्री में जा सकते थे, एक डेढ़ हज़ार रुपये का चलान लगता, क्योंकि वो फ़ोन वोन हो गए थे पुलिस वाले को, तो वो बता रहे थे कि आपका कुछ लेना देना नहीं है, वो बंदा इंश्योरेंस क्लेम ले ही नहीं रहा था, उसे पता था स्विफ्ट गाड़ी है यार ये लग गई, चलो कितने का खर्चा होगा 4-5 हज़ार का, हम उसे दे रहे थे 10,000 रुपये, वो कह रहा मैं लूँगा 50,000, और एंड में जब उसे पता लगा कि पुलिस की अप्रोच वगैरह लग गई है कि फ्री में काम हो जाएगा, तो वो इतना कलप गया, हमें प्रोवोक करने लग गया कि हमसे कलेश करे, हमसे लड़ाइयाँ करे, ये वो तो हमने मैच्योरिटी दिखाई कि उसे कुछ उल्टा जवाब नहीं दिया और लड़ाई नहीं करी, हमने उसे 20,000 रुपये उल्टा और दिए, क्योंकि मैंने कहा भाई तू ले, वो इतना उल्टा सीधा बोल रहा था, हमने तो उसको 20,000 रुपये भी फाइन दे दिया था कि भाई तू सेटलमेंट कर, तू अपना खर्चा पानी कर लियो। और अब मैंने ये सोच लिया भाई मैं गोवा कभी नहीं जाऊँगा, पार्टी वगैरह ओके है, तुम अपने फ्रेंड के साथ घूम रहे हो ओके है, बट जहाँ के बंदों से तुम फील ही सेफ ना करो, जहाँ के लोकल ही ऐसे हो, तो मैं तो भाई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस तुम्हें बता रहा हूँ, बड़े बदतमीज़ लोकल है, पार्टी वार्टी करो तुम, बंदा पार्टी क्या करने जाता है इन्जॉय करने, वो मैं कह रहा तुम्हें गाड़ी लेनी नहीं आती तो लेते क्यों हो, तुम यहाँ पे आके बंदे मारते हो, ये करते हो, तो हैं ये वो उल्टा सीधा बोल ही जा रहा है, बस प्रवोक कर ही जा रहा था, घर वालों के बारे में बोल रहा उल्टा सीधा, तुम्हारे घर वाले ऐसे हैं, तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, बट हमने हर चीज़ अवॉइड करी थी। और मैं तुम्हें भी यही कहूँगा, अगर तुम गोवा हुआ जाते हो गाड़ी वाड़ी लो, सेफ तरीके से चलाओ, और अदरवाइज़ थोड़े और पैसे डाल के अच्छी ट्रिप मार लो, गोवा तो जाना छोड़ दिया मैंने, दूसरी बार था मेरा और लास्ट टाइम था, मैं नहीं जाऊँगा। और ऐसा नहीं था कि खाली टैक्सी वाले बदतमीज़ थे भाई, वहाँ पर हर कोई बदतमीज़ है,
वो रेस्टोरेंट वाले जो होते हैं ये सब सब बदतमीजी करते हैं तुमसे। बस जो वहाँ पे दूसरा स्टाफ गया हुआ जैसे गोवा से बाहर का जो स्टाफ है जो वहाँ रह नहीं रहा वो तुमसे तमीज से बात करेगा। जैसे होटल वाले हो गए वो बाहर से आए होते हैं या थोड़े बहुत इधर उधर के बंदे हो गए वो प्यार से बात करते हैं। बाकी तो इतना बदतमीज स्टाफ है ना, मैं पहाड़ों वाड़ों में जाता हूँ वहाँ के बंदे इतने पोलाइटली बात करते हैं वहाँ के जो लोकल होते हैं, बट यहाँ के तो भाई बहुत ही बदतमीज थे। हो सकता है वो हमसे इसलिए गलत थे, वहाँ के पार्टियाँ वाटियाँ करते हैं ये करते हैं, बट तुम्हें ये भी समझना चाहिए भाई जो वहाँ के लोकल हो कि हमसे ही तुम्हारा बिजनेस चल रहा है, हम कोई ख़राब बंदी नहीं कर रहे। जो वाटर स्पोर्ट्स कर रहे हैं, जो उधर आगे स्टे कर रहे हैं, जो होटल्स चल रहे हैं, जो वो सब चल रहा है वो हमसे ही चल रहा है। तुम्हारी गाड़ियाँ जो किराए पे ले रहे हैं वो हम ही ले रहे हैं, जो गलती होगी उसका भुगतान बंदा भरता भी है, बट तुम उसे ऐसे बदतमीजी से बोल रहे हो, उसके घर वाले लोगों के बारे में बोल रहे हो, तो थोड़ा सोचा करो, ट्रैवल जीरो हो सकता है।